वेन ए आई हेज कमिंग टू प्ले माई डियर फ्रेंड्स मेरे विश्वास करो कि वट विल डिस्टिंग्विश यू एंड मी इज यसनैलिटीज ये ना सोचना की हाँ यार ठीक है कर लेंगे हो जाएगा पिज्जा खा लेते हैं हम बाहर जा लेते हैं घूमने के लिए बट शायद अपने ऊपर इन्वेस्ट नहीं करते कि हम में से कितने सारे लोगों को ये बात पता ही नहीं होगी कि ये सॉफ्ट स्किल्स होता क्या है तो रिसेंटली मेरे पास एक डीएम आया दी वॉट इज सॉफ्ट स्किल्स और मैंने ये रियलाइज किया कि हम में से कितने सारे लोगों को ये बात पता ही नहीं होगी कि ये सॉफ्ट स्किल्स होता क्या है तो आई थॉट टू मेक अ वीडियो ऑन दिस एंड मैं बहुत लकी फील कर रही थी कि लोग एक्चुअली मेरे पास आए और मुझसे क्वेश्चन पूछा आधे से ज्यादा लोग तो शर्मा जाते कि यार मैं पूछूंगा या नया पूछू छोड़ो यार कोई बता देगा बाद में पता चल जाएगा और वीडियो से पता चल जाएगा सो आई फेल्ट वेरी फेल्टेरी वो लड़की आई एंड शी मी वॉट इज सॉफ्ट स्किल्स आप इतना करते रहते हो है क्या या आखिर तो सॉफ्ट स्किल्स ना मुझे लगता है कि ऐसे कुछ ऐसी स्किल्स हैं जो हमें स्कूल में ना पढ़ा देनी चाहिए बट वो हमें पढ़ाते नहीं है और हमें खुद टाइम निकाल कर वो पढ़ना पड़ता है जैसे कि मनी मैनेजमेंट ये जब हम कमाने लगते हैं फ्रीलांसिंग करने लगते हैं जब हमारे पास पैसे आने लगते हैं ना तो हमें समझ में नहीं आता कि यार टैक्स कैसे कट रहा है टैक्स कितना देना है कहाँ इन्वेस्ट करूँ से सेव करूँ ये सारी चीजें हमें कोई नहीं बताता स्कूल में या कॉलेज में है ना बट हमें ये चीजें सीखनी पड़ती है क्योंकि ये जरूरी है सिमिलरली हमारी आती है सॉफ्ट स्किल्स जो हमें रिलेशनशिप बिल्ड करने में लोगों से इंटरेक्ट करने में मदद करती है नो no डाउट आपके पास कितनी अच्छी भी हार्ड स्किल्स हो हार्ड स्किल्स मतलब टेक्निकल स्किल्स जैसे कि स्टैटिस्टिक्स आना वेबसाइट बनाना आना ऐप बनाना आना आप अगर लॉयर हो तो आपके लॉ के कुछ एकेडमिक्स होंगे डॉक्टर पढ़ रहे हो तो डॉक्टरी के बहुत सारे अपने टर्म्स एंड टर्मोलॉजीज होंगे तो वो सब हर किसी को आता है बट सोचो ना वो ऐसी क्या क्वालिटी है जो हमें और आपको डिफ्रेंशिएट कर रही है हमारी सॉफ्ट स्किल्स हम कैसे बात कर रहे हैं कैसे इंटरैक्ट कर रहे हैं कैसे बोल रहे हैं कैसे हैंड जेस्टर्स कर रहे हैं कैसे अपना टाइम एंड स्ट्रेस को मैनेज कर रहे हैं ये सारी चीजें आती हैं हमारी सॉफ्ट स्किल्स में तो सॉफ्ट स्किल्स कोई एक दो टॉपिक नहीं सॉफ्ट स्किल्स एक स्किल्स का एक बंडल है जिसमें कि कम्युनिकेशन स्किल्स टाइम मैनेजमेंट स्ट्रेस मैनेजमेंट एम्पैथी हैंड जेस्टर मैनर्स बॉडी लैंग्वेज गोल सेटिंग काफी सारी चीजें आती हैं एंड सोचो ना अगर हमें ये सारी चीजें स्कूल में सिखा दिया जाता कि लोगों के साथ कैसे बात करना है कैसे इंटरेक्ट करना है किसके सामने कितनी इम्पैथी शो करनी है कब ईगो आना चाहिए आना चाहिए भी या नहीं आना चाहिए अगर ये सारी चीजें हमें स्कूल में सिखा देती तो हमारी लाइफ कितनी आसान हो जाती हम रिलेशनशिप्स कितने अच्छे से हैंडल कर पाते हैं। लोगों को वेलकम करना है तो कैसे करना चाहिए हैंडशेक करना है तो कैसे करना चाहिए बट हमें ये चीजें कोई नहीं सिखाता एंड जैसे-जैसे आप आगे बढ़ोगे ना लाइफ में आपको रियलाइज होगा कि यार एआई ये सारी टेक्नोलॉजी के आने के वजह से आपकी टेक्निकल स्किल्स तो बहुत लिमिटेड हैं शायद ये ऑटोमेट भी हो जाएंगी बट हमें और आपको आगे चलने के लिए आगे बढ़ने के लिए सिर्फ सॉफ्ट स्किल्स ही ऐसी स्किल्स हैं, जिससे आप या मैं डिस्टिंग्विश हो सकते हो मार्केट में तो सोचो ना अगर ए और बी कैंडिडेट है दोनों के पास सेम अमाउंट ऑफ टेक्निकल स्किल्स है सेम अमाउंट ऑफ हार्ड स्किल्स है तो दोनों में से कौन सेलेक्ट होगा वो जिसके पास अच्छी सॉफ्ट स्किल्स है और एक बात बताऊं रिसेंटली रिसर्च में ये पाया गया कि आजकल की कंपनीज ऐसे इंसान को ढूंढ रही हैं जिनके पास अच्छी सॉफ्ट स्किल्स है तो कंपनी सिर्फ एट परसेंट हार्ड स्किल्स पे फोकस करी है एंड थर्टी परसेंट सॉफ्ट स्किल्स पे फोकस करी है पता है क्यों क्योंकि अब कंपनीज को ये रियलाइज हो गया है कि एक कैंडिडेट का एटीट्यूड एंड माइंडसेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको हम टेक्निकल या फिर उसको हम ट्रेनिंग देके तो कुछ भी सिखा सकते हैं बट अगर उसका माइंडसेट ही सीखने वाला नहीं हुआ अगर उसका एटीट्यूड ही अच्छा नहीं हुआ अगर उसको टीम मैनेजमेंट ही नहीं आ रहा है अगर उसको कम्युनिकेट ही नहीं करना थॉट्स आ रहे हैं तो हम उसको कहां तक की ट्रेनिंग देंगे समझ रहे हो इस बात को तो कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी सॉफ्ट स्किल्स और हम इसमें बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं ये सोच के कि यार बात करना तो मुझे आता ही है हैंडशेक करना वो तो मुझे आता ही है लोगों से इंटरेक्ट करना वो तो आता ही है टाइम मैनेजमेंट करना वो तो आता ही है स्ट्रेस मैनेज करना वो तो आता ही है टीम में मैनेज करना वो तो आता ही है सबसे बात करना आता ही है कभी सोचा ही नहीं कि इनको अगर मैं सीख लूं तो मैं लाइफ में कितना आगे बढ़ सकता हूं एंड मैं ऑनेस्टली बताऊं तो मैं भी ये सारी चीजें ऐसी ही सोचती थी तो नेचुरल ना है यह आना तो ने बट जब मैंने खुद किया कोर्स आई थिंक मैंने ढाई साल से मैं पढ़ रही हूं उससे पहले कॉलेज में थी तभी मेरे को बहुत ज्यादा था जब मैंने कोर्स किया प्रोफेशनली टू पॉइंट फाइव इन देन आई रियलाइज कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक ह्यूमन बींग के लिए वेन ए आई हैज कमिंग टू प्ले माई डियर फ्रेंड्स मेरे विश्वास करो कि वॉट विल डिस्टिंग्विश यू एंड मी इज योर पर्सनैलिटीज ओके एंड ट्राई टू बिल्ड दैट पर्सनैलिटी मैंने एक ई e बुक लिखी है उस ई e बुक को जाकर पढ़ो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा अलॉन्ग विद डैट मैं एक थ्री डे लाइव क्लास होस्ट कर रही हूं अबाउट सॉफ्ट स्किल्स जिसमें मैं माइंडसेट, राइट एटीट्यूड राइट हैंड जेस्टर्स बॉडी लैंग्वेज कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं अपने थॉट्स इफेक्टिवली कॉन्फिडेंटली कैसे स्पीक कर सकते हैं हमारे माइंडसेट के ऊपर हम वर्क करेंगे उस क्लास में अलोंग विद दैट टाइम एंड स्ट्रेस को कैसे मैनेज करना चाहिए गोल्स को कैसे सेट करना चाहिए इन सब के बारे में बात कर रहे होंगे मैं अपनी थ्री डे लाइव क्लास में तो रजिस्टर करना ना भूलना ये ना सोचना कि हाँ यार ठीक है कर लेंगे हो जाएगा पिज्जा खा लेते हैं हम बाहर जा लेते हैं घूमने के लिए बट शायद अपने ऊपर इन्वेस्ट नहीं करते सोचो कि अगर आप ये मनी जो इन्वेस्ट करोगे इससे आपको कितना ग्रोथ मिल सकता है मे बी आपका नेक्स्ट इंटरव्यू क्रैक हो जाए मेबी आप नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी को क्रैक कर लो सिर्फ अच्छे से बात करके लोगों से सिर्फ अच्छे, लोगों के साथ अच्छे से इंटरेक्ट करके सो so कंसिडर करना इस वर्कशॉप में अटेंड करने के लिए क्योंकि यार मैं हंड्रेड परसेंट रिफंड वर्कशॉप है अगर आपको अच्छी नहीं लगी तो आप फर्स्ट वर्कशॉप के बाद ही बोल सकते हो कि मुझे नहीं समझ में आ रहा आई वॉन्ट टू रिफंड माई मनी बट आई एम टैंड श्योर आपको बहुत पसंद आएगी क्योंकि मैंने इसको उस लेवल से बनाया है उस लेवल में मैं समझाऊंगी जहां पर हर इंसान को समझ में आएगा एंड यू स्टार्ट फीलिंग की हाँ में एक चेंज हो रहा है तो ट्रस्ट करो मुझ पर रजिस्टर करो वर्कशॉप के लिए ट्वेंटी नाइन ट्वेंटी एट जून से ये शुरू होगी तीन दिन की होगी और भी डिटेल्स आपको लिंक में मिल जाएगा प्लीज कंसिडर ज्वाइनिंग दिस माई डियर फ्रेंड्स 100% परसेंट रिफंड है इस वर्कशॉप का इसलिए मैं बोलूंगी कि एक बार आकर देखो ज्वाइन करके कर देखो अपने ऊपर पैसा इन्वेस्ट करके कर देखो